हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपना कारण बहुत टेस्टी एट मासर रेसिपी आग बढ़ाई। रेसिपिटो शीतल मासर झोलर रेसिपी। एने बना खाले बहुत टेस्टी है शीतल मास। मैं मासर रेसिपिटो आरम्भ करूँ। प्रथम मैं मासर पीसकटा खूब भलक धुई सफा कर ललो। तार पिछते मैं अक हालधी पाउडार और अकमान निमख छटियाई हाथेरे खूब भलक मिक्स करी एटा साइड करी थोई दियासु। आरो एफाले मोर इंग्रेडिएंट्स किनी साइलोक मैं रेडी करिसु। दुटा बिलाही काटि थोइसु, तीनिटा केसा जलकिया आरो एक चामुचमान नहरु पेस्ट, एटा डांगर पियाज काटि थोइसु। एखिनि होइसे मसला किनी मैं रेडी करि आसु। दुई चामच धनिया आरो जीरा पाउडार, हाफ चामच रंगा जलकिया पाउडार आरो हाफ चामच हालधी पाउडार, अकमान पानी मिहलाई एटा धुनिया बेटार प्रस्तुत करी मैं थोई दी आसू। कन्सिस्टेंसी साइलोक खूब पातलो नहय, खूब घन नहय। आरो एफाले मोर बस्तुखिनि रेडी होइसे। पियाज दुटा मैं पेस्ट करी थोइसु। मैं आजी चॉप्ड पियाजो यूज करिम आरो पेस्ट पियाजो यूज करिम। केराहीटो गरम हुआ लगे लगे मैं हरिहर तेल एड करि दिलु। तेल जदिओ मासटो तेल आसे तथापि मैं तेल अलप बेसिके दिलु कारण पियाजखिनि तो भाजिब लागिब भालकरि। आरो प्रथम मैं हरु चामचेरे एक चामच जीरा एड करि दिलु। काटा पियाजखिनि दि तार पिछते मैं पियाजर पेस्टखिनि एड करिछु। अलपमान भाजि लै आसु, गेसर फ्लेमटो कमाइ राखिछु। नहरु पेस्ट मैं एड करि दिलु। एतिया जलकाखिनिओ दि दिलु, बिलाही दिलु। বিলাহীখিনি সফট সোনকালে হওয়ার কারণে অকণমান নিমখ এড করে দিলু। প্রথমত মোৰ নিমখ দিয়া আছে, সেই কারণে অলপ কম করে দিলু। এতিয়া মই মশলার পেস্টখিনি এড করে দিলু। মশলার বাটিটো ধুইও দিছো মই, হেটো স্কিপ হৈ গৈছে। তার পিছতে মই অকণমান পানি এড করিম মশলাখিনি খুব ধুনিয়া করে ভুনা হৈ যোৱার কারণে। মশলাখিনি খুব ভাল করে ভুনিব লাগিব, তেতিয়াহে মাছৰ আসল টেস্টটো পাম। ये सब मसलाखिनि बुना होई गैछे, तेल सेपारेट हुआ आरम्भ होई गैछे। ए पॉइंटत आही मैं मासर पीसकटा दी आसो। एटा एटा करी मैं मासर पीसकटा दी दिलु। तार पिछते मैं गेसर फ्लेम टू मीडियम राखी ढाकनीखन दी दिलु। एटा साइडर पड़ा मासटो कुक होई आहिसे। ए मासटो साधारणते अलप नरम धरणर थाके शीतल मास, हेइ कारणे मैं चामच खूब लाहेरे लड़ाई आसो, নহলে মাছকেইটা ভাঙি যাব। এতিয়া মই পানী এড কৰি দিলোঁ, আকৌ ঢাকনি এখন দি দিলোঁ আৰু তিনি মিনিটমান কুক হ'ব দিলোঁ। এতিয়া চাওক মোৰ মাছৰ ঝোলটো অলমষ্ট হৈ আহিছে। মই নিমখ চেক কৰিম আৰু এই পইণ্টতে আহি মই গেছৰ ফ্লেমটোও বন্ধ কৰি দিম। মাছৰ পাতল ঝোলটো খাই খুব ভাল পাওঁ। এতিয়া মোৰ মাছৰ ঝোলটো হৈ গৈছে, মই চাৰ্ভ কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি চাই ভাল পাইছে নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আৰু মোৰ আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি মই বিদায় ললোঁ।